मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% के ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था, अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है। और मैं इस धन को बीज खाद कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी है उसके बाहर भी बेचते थे, हाँ जी, और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी, और पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा चलिए, हुआ मैं एमएसपी पे पहले बेचा तो है। आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं। सर, मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है, और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई खाद बीज जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया, मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने अच्छा, उपयोग कर आप इस लिया साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसके जी। पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया? कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का, लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल ITC कंपनी को 41 रुपये क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहाँ मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहाँ पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है, और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया करवाया जाता है।